राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी में सफर करना अब पड़ेगा महंगा। जी हां, ऑटो का मीटर अब 25 रुपए के बजाय 30 रुपए में डाउन होगा और प्रति किलोमीटर के लिए 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए किराया देना होगा। हालांकि नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने किराए बढ़ाने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की गई है। तो आइए आपको बताते हैं अब टैक्सी में सफर करने पर कितना फेयर देना होगा। शुरुआती 1 किलोमीटर के लिए एसी या नॉन एसी टैक्सी किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद नॉन एसी टैक्सी का किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 17 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे करीब 2 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। इन लोगों को हाल ही में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ज्यादा खर्च उठाना पड़ रहा था। दिल्ली सरकार की मंजूरी से ऑटो और टैक्सी के नए किराए आने वाले हफ्ते में लागू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।